उमरखली में अपने मामा के घर दीपावली मनाने गए बरूर निवासी युवक की ट्रैक्टर ट्राली आंगन में खड़ी करने के विवाद में चाकू मारकर की गई हत्या के मामले में बुधवार को कहार समाज ने आक्रोश जाहिर किया। समाजजन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही के साथ मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। उल्लेखनीय है कि 5 नवंबर को उमरखली निवासी श्यामलाल के घर उसका भांजा राजा दिवाली मनाने आया था। इसी दौरान श्यामलाल की ट्रैक्टर ट्राली घर के सामने खड़ी करने की बात को लेकर गाँव के ही विक्रम से विवाद हुआ था, जिसमें राजा की मौत हो गई जबकि श्यामलाल को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद से परिजनों सहित समाज में आक्रोश व्याप्त है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी मांग है कि हमारे छोरे को न्याय चाहिए। बरोबर। उनकी चार छोरी है और एक छोरा था कमाने वाला, भाई दूज के दिन चले गया, कातिलों ने बेरहमी से मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। वो लोगों को फांसी चाहिए, हमको न्याय चाहिए। और हमने रैली निकाली है न्याय के लिए, निकाली हमने कि हमको न्याय चाहिए। इंदिरा नगर ऐसी मैं मरते मरते बचा तो मेरे को एक ही सरकार से निवेदन और विनती है कि लोगों को फांसी चाहिए और मेरे को न्याय चाहिए। कितने लोग थे मारने वाले? ये 10 से 12 जन थे और हम दो मामा भांजे अकेले थे और इन्होंने इतने बुरे बुरे हमले किए कि हमारे बचना मुश्किल रहा हमारा, और कैसे हमारे को बचा के कौन ले गया कोई कह नहीं सकता। और अभी 2 रोज से हम सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी छुट्टी करवा के लाए। तो हमारे को यही सरकार से निवेदन है और विनती है, हाथ जोड़ के कि हमारे को न्याय चाहिए और इनको डायरेक्ट फांसी का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।